आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य जी की वो कुछ रणनीतियां जिसके थ्रू आप एकदम चंट और चालाक बन जाएंगे। आपके अंदर का जो भी भोलापन है वो सारा दूर हो जाएगा। हमें लोग अक्सर चिढ़ाते हैं कि तू तो बड़ा भोला है, तुझे तो दुनिया की समझ ही नहीं है, तू तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, थोड़ी समझदारी ला, थोड़ा चंट बन, थोड़ा चालाक बन। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बनते हैं, लेकिन चाणक्य जी ने जो कुछ चीज़ें बताई अगर आपने वो सीख ली तो आप बेशक चंट और चालाक बन जाएंगे। चाणक्य जी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में काम आती हैं। कौन कौन सी समझ लीजिए। चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी आपको किसी को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नहीं बतानी चाहिए। कुछ ऐसी बातें कौन कौन सी होती हैं? पहला, आपको कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। गर्लफ्रेंड हो गई या आपकी प्रेमिका हो गई या आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी हो गई, अपनी आपकी वाइफ हो गई, कभी भी इनकी बातें आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। प्राइवेसी कभी भी लीक नहीं करनी चाहिए। कभी भी सीक्रेट्स आपको किसी को नहीं बताने चाहिए क्योंकि वो सीक्रेट्स आपके डिपॉजिट्स हो जाते हैं और एक बार अगर आपने डिपॉजिट कर दिया किसी बैंक में तो आप दूर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी पूंजी लगी है वहां पर, तो रिस्क पे आप ही रहते हैं ना। तो कभी किसी को अपने सीक्रेट्स मत बताओ, अपने वाइफ के बारे में मत बताओ, ये मत बताओ कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, ये मत बताओ कि आपकी किसके साथ लड़ाई हो रही है, ये मत बताओ कि आप बहुत परेशान हो, ये भी मत बताओ कि आज मैं बहुत खुश हूं। देखो, थोड़ा मोड़ा शेयर करना चलता है लेकिन हर एक चीज सबको एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या? वो भी सबको नहीं, एक दो लोग कुछ खास होते हैं उनको ही बताइए, सबको मत बताइए। दूसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं कि हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपको तीन बातें खुद से पूछ लेनी चाहिए। पहला, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। दूसरा, कि इस काम को करने से मेरा फायदा क्या होगा। और तीसरा, वो जो फायदा है उसकी कॉस्ट क्या होगी पैसों में। फायदा देखना सीखो। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं तो लोगों को क्या लेना देना मेरे को लोगों से, मैं तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखूंगा, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो लोगों से भी सीखना पड़ेगा। खुद से सीखो मगर लोगों से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद से सीखेंगे तो आप सारी उम्र जो है गलतियाँ करते रह जाएंगे और कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। दोस्तों की परख करनी है तो हमेशा मुश्किल समय में करिए, और अगर आपको प्रेमिका की समझ करनी है, प्रेमिका की परख करनी है, तो हमेशा पैसों के खत्म होने पर करिए। जब आपके पास पैसे ना रहें तो देखिए कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपकी वाइफ है, क्या वो आपका साथ दे रही है। और जब आप मुश्किल में पड़ जाएं तो देखिए कि क्या आपका जो दोस्त जो कहा करता था कुछ भी हो जाए भाई मैं तो तेरे साथ हूँ, क्या वो साथ है आपके? नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बस समझ जाइए कि वो झूठा इंसान है। चाणक्य जी समझाते हैं कि हमेशा मीठा बोलने वाले लोगों से बचे। जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं कि अरे मैं तो ये कर दूंगा, अरे इसमें तेरा फायदा है, अरे इसने ऐसे किया था वैसे किया था, जो लोग ज्यादा फेंकते हैं उनसे थोड़ा बच के रहा करो। ये मैं ये नहीं कह रहा उनकी स्टोरीज मत सुनो, सुनो बड़ी टाइम पास वाली होती हैं, मगर बच के रहा करो, उन पर ट्रस्ट मत किया करो। वो बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी सी चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे कि भाई कितना मजा आ गया था उसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग बस फेंकना जानते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनकी बातों को सुने, और इसलिए ये बहुत से फेंक देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। स्टोरी सुनिए, टाइम पास वाली होती हैं, लेकिन ट्रस्ट कभी मत करिए। और चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी अपने पास्ट के बारे में सोचकर समय को बर्बाद मत करिए। हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रह जाते हैं कि शायद उस टाइम में ये कर सकता था। हम अपने पास्ट में रह जाते हैं कि यार अगर मैं ऐसा करता तो मेरा ब्रेकअप ना होता, मैं रिलेशनशिप को बचा सकता था, मैं उसके साथ अभी भी रह सकता था, मुझे अभी भी उसकी याद आती है, मेरे दोस्त हुआ करते थे, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी, जो चला गया वो चला गया। अपने पास्ट को ज़्यादा महत्व देंगे तो अपने फ्यूचर को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे और अपने प्रेजेंट पे काम नहीं कर पाएंगे। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करिए, उसके बारे में सोचिए, और फ्यूचर के बारे में भी इतना नहीं सोचना। प्लानिंग तक ठीक है, मगर मैं ख्याली पुलाव पकाऊं भाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सॉरी यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर की प्लानिंग करिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।